पीयूष जी, राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तेजस्वी यादव हों, विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो इस संकल्प पत्र को एक तो जुमला पत्र बता रहे हैं और दूसरा उनका कहना है कि दो बड़े शब्द महंगाई और बेरोजगारी इस संकल्प पत्र से भी गायब हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से, उनके संबोधन से भी गायब थे। मुझे लगता है कि विपक्ष से तो यही उम्मीद करी जा सकती है, उनको तो बड़े तकलीफ हुई होगी आज कि वैसे ही मोदी जी की विश्वसनीयता इतनी ज्यादा है, ऊपर से उन्होंने आज इतनी बड़ी सौगात और गारंटी देश के समक्ष रखी है, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष तो आज बहुत ही हताश होगा। जहां तक महंगाई की बात है, अगर आप आजादी के बाद 75 वर्ष देख लें, सबसे कम औसतम महंगाई, एवरेज इन्फ्लेशन, सबसे कम मोदी जी के गत 10 वर्षों में रही है और लगातार गिरती जा रही है। मुझे लगता है ये पहली सरकार है जिसने रिजर्व बैंक को दायित्व दिया, जिम्मेदारी दी कि महंगाई को नियंत्रण में रखना उनकी भी जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक मिलके इस चीज पे बड़ी गंभीरता से कदम भी उठाते हैं, कठोर कदम उठाते हैं और देश को, जबकि दुनिया में एक बड़ी गंभीर समस्या थी महंगाई की, भारत फिर भी उससे बड़ी मात्रा में बचा रहा। और रोजगार के लिए तो मैंने अभी अभी आपको बताया, आखिर इतना लाखों करोड़ रुपए जब इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, जब निवेश होगा उद्योग में, जब व्यापार के रास्ते खुलेंगे और सरल होंगे, जब लोग दुनिया भर से भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए आएंगे, इनोवेशन बेस बनाने आएंगे, सर्विसेज यहां से लेना चाहेंगे, स्वाभाविक रूप से लोगों को बड़े पैमाने पे नौकरियां भी मिलेंगी, रोजगार, स्वयं रोजगार और कारोबार, तीनों चीज में आमदनी करने का मौका मिलेगा। विपक्ष संकल्प पत्र को झूठ की गारंटी बता रहा है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं खटाखट खटाखट गरीबी को हटा देंगे, 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, ऐसा कोई वादा आपके संकल्प पत्र में नजर नहीं आता है पीयूष जी? उनकी सोच बड़ी छोटी है, वो तो 1971 से गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो कई वर्ष राज किया उसके बाद भी, पर कुछ कर नहीं पाए। यूपीए के भी 10 वर्ष हमने देखे, भ्रष्टाचार और एक कमजोर अर्थव्यवस्था के अलावा देश को कुछ नहीं मिला। मैं समझता हूं मोदी जी ने जिस प्रकार से लोगों को सशक्त बनाया, जिस प्रकार से कौशल विकास पे फोकस किया, जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति से लोगों को अपने अपने इच्छा अनुसार आगे अपने जीवन का शिल्पकार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, देश अब एक नई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे चला गया। 8% ग्रोथ इस वर्ष होने का अनुमान है। मैं समझता हूं जिस प्रकार से निवेश भी आ रहा है, जिस प्रकार से देश में आधारभूत सुविधाएं बन रही है, रोजगार नेचुरली बढ़ेगा। ये जो बात करते हैं, ये छोटी मोटी सरकारी नौकरी के अलावा इनकी सोच ही नहीं है। राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी जी हो, बड़े छोटी सोच से काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ लोगों की सोचते हैं। हर युवा युवती को समान अवसर मिले, हर युवा युवती को अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन बनाने का मौका मिले। मुझे लगता है मोदी जी की सोच उनसे कई ज्यादा उच्च है, ये उसके आसपास भी नहीं आ सकते। जब आप सब वर्गों की बात करते हैं पीयूष जी, तो इसमें किसानों की भी बात आती है। किसानों के लिए जो एमएसपी गारंटी कानून की मांग किसान लगातार कर रहे थे, ऐसा कोई वादा अपने संकल्प पत्र में आपने नहीं किया है। एमएसपी के तहत मूल्यों को बढ़ाने का वादा आप लोग जरूर कर रहे हैं, क्या किसानों की नाराजगी आपके इस वादे से आप दूर करने में कामयाब हो पाएंगे? ऐसा है कि कानून से ही हर एक चीज का समाधान नहीं होता है। जैसे हमने एमएसपी पे गत 10 वर्षों में यूपीए के परिपेक्ष में लगभग 3.5-4 गुना अधिक अनाज खरीदा है किसानों से, हमने पूरी चीनी के किसानों की, गन्ना किसानों की सभी समस्याओं को हल किया है। आज कापूस जो किसान बनाते हैं, अलग अलग जो प्रकार के जूट के जो किसान है, उसको पूरी तरीके से सरकार एमएसपी पे खरीदने के लिए कमिटेड है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसानी क्षेत्र में अलग अलग योजनाओं द्वारा, चाहे वो खाद्य उपलब्ध कराना हो कम कीमतों में, किफायती कीमतों में, नीम कोटेड यूरिया लाना हो,
जिस प्रकार से सॉइल हेल्थ कार्ड हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, 6,000 रुपए प्रति वर्ष हर किसान सम्मान निधि मिले, अन्य अन्य तरीके से किसानों को एक उज्जवल भविष्य देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और आगे आने वाले वर्षों में मोदी जी ने कहा है, हम तिलहन में, दलहन में, इसमें भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेंगे, उनका समर्थन करेंगे।